हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन, जिसे कि आप शॉल, श्रग, जैकेट, स्कार्फ, मफलर, आप कहीं भी इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। और ये दो लाइन की डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैंने इसमें अलग अलग कलर्स यूज़ किया है क्योंकि ये डिज़ाइन निखर के आएगी और समझ में इजीली आएगी आपको। आप चाहो तो एक कलर से भी आप शॉल बना सकते हो इस डिज़ाइन से, या आप दो कलर से बनाओगे तो भी वो प्यारा लगेगा। मल्टी कलर में भी ये अच्छा लग रहा है। थोड़े थोड़े वो अगर आपके पास बच गए हैं तो आप उससे भी एक प्यारा सा मफलर बना सकते हो, ऐसे कलरफुल सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने 10 लाइन्स बनाया है आपको बताने के लिए कि डिज़ाइन कैसे बनता है। बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, जो क्रोशेट सीख रहे हैं अभी क्रोशेट चलाना, उनके लिए भी बहुत ही आसान होगा ये बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चेन बनाना है। मैं यहाँ पे 37 चेन बनाऊंगी। चेन बना के अब हम 5 चेन काउंट करके छठे चेन में हमें डबल क्रोशेट करना है फ्रेंड्स। 5 चेन छोड़ के छठे में हमें डबल क्रोशेट करना है और फिर 2 चेन बनाना है। फिर उसी में हम जहाँ पे हमने पहला डबल क्रोशेट बनाया था उसी में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम 1, 2, 3 चेन छोड़ के चौथे चेन में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 चेन करेंगे और फिर से वहीं पर हम एक और डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमें पूरा लाइन बनाना है, डबल क्रोशे, 2 चेन डबल क्रोशे, 3 चेन के गैप गैप में बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा लाइन ख़त्म कर लिया। लास्ट में हमें जो 3 चेन बच गए हैं वहां पर हमें लास्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे करके फिर 3 चेन बना के हम ऊपर बनाएंगे। और ये देखिए, जो हमने डबल क्रोशे बनाया था उसके पीछे से हमें क्रोशिया को ले जाके यूं करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करने के बाद 2 फंदे नहीं गिरा के एक ही फंदा गिराएंगे और एक हम, मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने डबल क्रोशे करने के बाद फ्रंट पोस्ट वाला फिर 6 डबल क्रोशे बनाया है बीच में एक चेन देके। ये देखिए, अब फिर जो डबल क्रोशे था उसमें भी हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है, आगे से क्रोशे ले जाके 2 फंदे हमें क्रोशिया पे ही छोड़ने हैं और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में हम यूं करके बनाएंगे फ्रंट पोस्ट और फिर उसके साथ हम एक साथ 3 निकालेंगे। इसके बाद हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं फिर से आपको बताती हूँ। जो गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे और जो डबल क्रोशे है उसमें हम फ्रंट पोस्ट मतलब पीछे से क्रोशे ले जाएंगे, एक फंदा हम निकालेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे में हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे। हमें गैप में ऐसे ही बनाना है, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे। और ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर देखिए, डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट किया, 2 छोड़ दिया, फिर दूसरे वाले में बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशे में हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और 3 को एक साथ निकालेंगे। ऐसी पूरी लाइन ख़त्म करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लाइन ख़त्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट लाइन बनाना है तो हम कलर चेंज करेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से
लास्ट में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है और यहीं से मैं कलर चेंज कर दूंगी। फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट लाइन देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने लाइट कलर यूज किया है, डार्क कलर में थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, तो मैं अब इसमें लाइट ब्लू कलर जोड़ूंगी और फिर उसके साथ मैं आगे बनाऊंगी सेम यही दो लाइन। आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, जो कोने में हमने डबल क्रोशे किया था उसी के ऊपर हम यूं जोड़ के एक दो तीन चेन बनाएंगे, और तीन चेन बना के जो हमने तीन डबल क्रोशे एक चेन बनाया था उसी एक चेन की जगह पे हमें एक डबल क्रोशे दो चेन एक डबल क्रोशे इस तरह से बनाना है। इससे क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन समटा जाता है, जो फैला हुआ है इसे वो होल्ड करता है जगह पे, और यही इसका 3D पैटर्न है फ्रेंड्स। ये देखिए, दो चेन बना के फिर एक डबल क्रोशे, मतलब जो बीच का चेन वाला गैप था उसमें हम एक डबल क्रोशे दो चेन एक डबल क्रोशे इस तरह से हमें पूरा लाइन बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाया मैंने, फिर दो चेन बनाया, फिर एक डबल क्रोशे बनाया, तो हमें हर गैप में जो एक चेन का गैप है वहाँ पर ऐसे ही दो दो डबल क्रोशे दो दो चेन के साथ बनाना है और पूरा लाइन करके फिर नेक्स्ट लाइन में आपको बताऊंगी कैसे हमें डिज़ाइन डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोने में आ गए। अब यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर जो कोने में एक डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक और डबल क्रोशे बना देंगे ब्लू में, और फिर यहाँ पर हम एक दो तीन चेन बना के, ये देखिए इस डबल क्रोशे के पीछे से ले जाके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया मैंने, दो हमने फंदे छोड़ दिए हैं क्रोशिया पे, एक डबल क्रोशे बनाया उसके साथ उतारा, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, अभी दो डबल क्रोशे बना है, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस डबल क्रोशे के ऊपर, दो फंदे हमने छोड़ दिए ऊपर ही। अब इसके डबल क्रोशे के ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाया और तीनों को एक साथ निकाल लिया फंदों को, फिर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे बीच में और फिर तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर वही फ्रंट पोस्ट होगा और उसके बगल वाले में भी फ्रंट पोस्ट होगा और दोनों के तीन फंदे एक साथ उतारेंगे। ये देखिए, यूं किया, दो फंदे छोड़ दिए, फिर यूं किया, एक फंदे निकाला और तीन फंदा एक साथ निकाला। बस यही डिज़ाइन है दोस्तों, हमें पूरा लाइन ऐसे ही ख़त्म करना है। तीन तीन डबल क्रोशे, एक चेन तीन डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट करना है, हर डबल क्रोशे के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है, और इस तरह से ही फ्रेंड्स आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो। ये देखिए, डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया मैंने और इस तरह से ही पूरा डिज़ाइन बना दूंगी, और मैं कुछ से और 5-7 लाइन बना के फिर आपको बताती हूँ। यह अभी 3 ही लाइन बना है, मैं 7 लाइन और बनाती हूँ, फिर आप देखना ये कैसा लगेगा देखने में। इसमें और मैं 3 कलर्स ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 कलर्स में बनाया है, ये 10 लाइन का टोटल डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो 2 ही लाइन का है फ्रेंड्स, वही हमें रिपीट करते जाना है। अलग अलग रंगों में बनाई हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रंट पोस्ट करने की वजह से देखिए इसमें ये डिज़ाइन जैसा दिखता है, ये 3D पैटर्न बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।